हर हर महादेव। देखते हैं बस वाला भाई कुला को गिरा दिया भाई, बहुत एक सूझ घिसल बनाई। ये भाई अपना गाड़ी चल चुका है 70,552 किलोमीटर। तो ये BS6 हम लोग का गाड़ी है, तो BS6 का मोबिल निकलवाएंगे। हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मैं अपने एक न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो भाई अपना गाड़ी चल चुका है, 70,000 से पार हो गया है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं फिलहाल अपना गाड़ी का सर्विसिंग करवाने, तो निकलते हैं घर से। तो भाई एक भाई का कमेंट आया था जिनका नाम है मोहन, कि भाई गाड़ी लिए कितना दिन हो गया। तो भाई हमको गाड़ी लिए हुए लगभग साल 1 साल 8 महीना हो गया है, जो कि 2 साल होने वाला है। गामा में गाड़ी खड़ा है भाई, हीट हो गया है पूरा। हर हर महादेव। तो चलिए चलते हैं। तो देख सकते हैं भाई अपना गाड़ी चल चुका है 70,552 किलोमीटर। तो ये एक्स्ट्रा चल गया है इतना भाई, तो कोई नहीं, हम लोग चलते हैं अपना सर्विसिंग करवा लेते हैं यार। भाई लॉरी लग गया है यहाँ पे, लाइट वाइट लग गया है दुर्गा पूजा का, इसके कारण यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है घुमाने में गाड़ी। कोई नहीं, अब निकल ही गए हैं हम लोग। हम लग गया भाई ट्रैफिक में, फंस गए हम लोग। तो ट्रैफिक से निकलते हैं यहाँ से, जो कि यार भभुआ का थोड़ा ट्रैफिक रूल है। देखते हैं बस वाला भाई कुला को गिरा दिया भाई, अब वो जाकर किरकिरा रहा है उधर। हम लोग पहुंच गए हैं गैरेज पे। खान भैया, तब सर्विसिंग में क्या कर गया है बताइए। डीजल फिल्टर, मोबिल फिल्टर, मोबिल। चलिए ठीक है, लाते हैं। तो गए थे देवघर, जो कि ब्रेक हम लोग का फेल हो गया था, तो डिस जो है कि ब्रेक शू लगवाए थे, तो ब्रेक भी मिलवाएंगे, क्योंकि अपने से लगाया हुआ एक मिस्त्री का भाई बात अलग है, तो खुलवा कर बनवाएंगे। अपना राम खुल रहा है अभी, बहुत एक सूझ घिसल बनाई। इधर अपना मोबाइल गिरने लगा भाई, बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है। तो भाई खोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा यार, तो लास्ट में खान भैया बोल रहे हैं कि अपना ब्रेक शू खत्म हो गया है, जो कि थोड़ा बहुत बचा है, तो कब मार देगा कोई गारंटी नहीं है, तो इसके कारण ब्रेक शू भी बदलवाना है। यही सब देखना पड़ता है यार गाड़ी में, इसमें का पूरा खजाना निकलेगा और नया रिपीट वाला फिर से ब्रेक शू लगेगा, जो कि हीट भी है भाई, और नया एक तो फिक्स वाला ब्रेक शू आता है ना खान भैया, और एक तो रिपीट वाला लगेगा। तो भैया रिपीट जो है कबार रहे हैं, अब दूसरा उसमें ब्रेक शू कसा जाएगा, फिर रिपीट लगाया जाएगा, क्योंकि ये वाला भाई जो है ख़त्म हो गया है। तो भाई गाड़ी खुलने के बाद ही मालूम चलता है क्या क्या ख़राब हुआ है, नहीं हुआ है। और एक चीज़ और है, गाड़ी धुआने से भी पता चलता है भाई। अपना ये आ गया ब्रेक शू, जो कि चारों चक्का का मिला है, मतलब दोनों चक्का का मिला है हमको 580 रुपये का। तो ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, वो ज़्यादा महंगा पड़ता है, तो रिपीट वाला लगाने से भाई सस्ता थोड़ा पड़ता है, तो इसलिए हम लोग रिपीट वाला ही लगवाते हैं। आ गया अपना डीजल फिल्टर, और ये भाई मोबिल फिल्टर, और ये अपना पूरा मोबिल ही आ गया, जो कि BS6 का है भाई। BS6 हम लोग का गाड़ी है, तो BS6 का मोबिल ही डलवाएंगे। तो मतलब टोटल जो है मोबिल फिल्टर, डीजल फिल्टर और मोबिल का लेकर 3500-3600 रुपया हुआ है, और 500-600 उसका, जो कि 4200, मतलब लगभग में लगभग भाई लेकर 4500 लग ही जाएगा पूरा टोटल।
शू में भाई रिपीट लग रहा है, जो कि बहुत सारा रिपीट लगाना पड़ता है, तो रिपीट लग जाएगा, उसके बाद कसाएगा उधर। भाई एकदम लग के हो गया है अपना रेडी, और उस पर थोड़ा सा बालू पन्नी मरा रहा है, क्योंकि ब्रेक अभी सरकेगा तो मरा जाएगा, तो ब्रेक एकदम चकचक लगेगा भाई, इसके कारण वो पन्नी मराता है। पे भी पन्नी मरा रहा है, ड्राम पे भी, कि एकदम चकचक ब्रेक लगे इसके कारण। तो अपना इधर लग गया डीजल फिल्टर, जो कि उस वो पुराना वाला निकाल कर नया वाला खान बिया कस दिए हैं, और लगाकर अब उसमें कसाएगा उसके ठीहा पे, जो कि ये लगाएं और नॉट लगाएंगे उसमें। फाइनल डीजल फिल्टर अपना निकल कर और कसा भी गया, तो ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, उसमें अब लगाएंगे उसका जो डीजल आने वाला पाइप है, रिटर्निंग और मेन दो ठो पाइप होता है, तो दोनों लगाएंगे, और उसमें का पॉपुलर भी लगाएंगे, जो कि सेंसर होता है, काम करता है, कुछ खराबी आता है तो भाई BS6 में यही तामझाम है भाई। नया वाला मोबिल फिल्टर कसा गया भाई, मतलब अब सर्विसिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो ही गया है अपना पूरा सर्विसिंग, और वो नीचे उस औजार से खान भी अपना कस देंगे। बहुत कम जगह में भाई घुस कर भाई सर्विसिंग करना पड़ता है, गाड़ी के अंदर देख सकते हैं ऐसे में पूरा एकदम। और देखिए इधर लग गया जुगाड़ और कसा रहा है अपना मोबिल फिल्टर। भाई इसमें का पीछे वाला चक्का में का जो है बाएं साइड का पूरा एकदम, मतलब आधा टूट कर ब्रेक शू उसी में गिर गया था, ड्राम रगड़ रहा था भाई पूरा एकदम। फाइनल एकदम सर्विसिंग हो गया है, तो मोबिल गिर गया पूरा और डला रहा है न्यू मोबिल। भाई अपना पूरा काम हो चुका है सर्विसिंग वाला, और पीछे का बस चक्का जो है अपना, मतलब चक्का जो ब्रेक शू खराब है तो उसको लगाया जा रहा है। एक ब्रेक शू में दो दो मिस्त्री लगे हुए हैं, अब ये भी फाइनल होने वाला है, तो बस इसको कराकर अपना निकलते हैं पैसा वैसा देकर घर। आगे का तो ब्रेक शू नया लगवाए थे यार, तो इसको बस चेक करवा के कस देगा तो अपना छोटू डॉन का, छोटू डॉन लाइट बॉल है जो फ्यूज हो गया है भाई, तो जा रहे हैं अभी हम लोग दुकान पे लेने, बहुत जल्दी जल्दी लाइट का बॉल फ्यूज हो जा रहा है। लाइट मिल गया भाई 135 रुपया का, नहीं उतनी देर लगे लगे फ्लिप्स के। हेड लाइट अपना भी एक ठो बॉल फ्यूज हो गया है, तो उसको भी सोच रहे हैं लगवा ले, धूप है बहुत काफ़ी यार। भाई अपना बॉल नहीं खराब था यार, होल्डर के वजह से खराब हो गया था बॉल, जो कि हम लोग होल्डर भी लेकर आ गए हैं, ये मिला हमको पूरा मिलाकर मतलब 200 रुपया इसमें लग गया भाई। हेड लाइट लग गया, हाँ सही है सही है, बल्ब लग गया यार, जो कि इसमें का ये देख सकते हैं भाई, ये इतना गला दिया था भाई, थोड़े देर में तो भाई आग ही लग जाता, मतलब इसके कारण ये बॉल का हालत देखिए, बॉल फ्यूज नहीं है लेकिन भाई वो ख़राब हो गया है। भाई अपना हो गया काम कंप्लीट, बंद कर दीजिए खान भैया, या अच्छा पूरा काम फाइनल हो गया, अब थोड़ा सा ग्रीस व्रीस मरवा ले, उधर ग्रीस अपना मरा रहा है। तो ये अपना क्रास में भाई ग्रीस मरा रहा है, उधर देख सकते हैं ये है ग्रीस मारने वाला मशीन है। अपना एक दिन टंकी पे तेल गिरने लगा, तो उसको लगाएंगे हम लोग रिपीट, अंदर में दिखाइए नहीं दे रहा है भाई, इसके कारण ये खराब लग रहा है हम लोग को, तो ये भी लगाएंगे आज, जो कि ये पड़ा है हमको 250 पड़ गया भाई, तो इसको लगाएंगे यहाँ पे फिलहाल। भाई अपना टोटल काम जो है कि हो गया है सर्विसिंग का एकदम फुल एंड फाइनल, पैसा भाई हम लोग का लग गया है लमसम 5,500 रुपया। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से घर, और भूख भी लग गया यार, तो खाना वाना खाते हैं घर पे चल के। तो फाइनली भाई लोग हम लोग का सर्विसिंग कंप्लीट हो गया, जो कि यार 5,500 रुपया पूरा लग गया अपने सर्विसिंग में, तो कोई बात नहीं, सर्विसिंग तो फाइनल हो गया, अब देखते हैं कहाँ का भाड़ा मिलता है कल, तो भाड़ा में निकलेंगे। तो वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में यार, 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो
प्लीज भाई लोग हमारा हमको सपोर्ट कीजिए और 500 कंप्लीट करवा दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।